अच्छी लोकेशन है ना? ओहो हो हो, ये तुझे अच्छी लग रही है? और क्या, कितनी अच्छी लोकेशन है, इसीलिए तो मैं तुम लोगों को कुछ डिफरेंट करने के लिए यहाँ लाया हूँ। बिल्कुल सही कहा, बहुत ब्यूटीफुल है। चार पैक मार के अगर आउट हो गए ना, तो भूत भी आ जाए तो भी भाग नहीं पाएंगे, ऐसी जगह है ये। मरने वाले सब भूत हो जाते हैं, फ्लाइट क्रैश में जो मेरी गर्लफ्रेंड मरी थी वो भी तो भूत होनी चाहिए थी ना। इतने अच्छे मौसम में सौंदर्य के बारे में बात कर रहा है ना? सौंदर्य ने मरने से पहले जो कैरेक्टर किया था उसका नाम नागवली था ना? इस नागवली कैरेक्टर की एक बहुत बड़ी कहानी है, पता है तुझे? अरे यार चुप बैठ, किसी भी टॉपिक पर कुछ भी मत बोला कर। जितना नसीब में लिखा था उतना उसने जी लिया, बस उतना ही। चुपचाप बैठ, बच्चे जैसी बातें मत करो भूत आत्माओं के बारे में। 100% बोलता हूँ मैं, ये जगह भूतों से भरी लग रही है। वो कैसे बोल सकते हो तो? ए, चुपचाप रहो, पार्टी एंजॉय करो, दिमाग मत खाओ। ये भूत लोगों के मामले में ना पढ़े लिखे लोग, वैज्ञानिक लोग कुछ नहीं कर पाए। भूत कुछ भी नहीं होता है, सब झूठ है, वो सब नहीं है, मैं प्रूफ करके बता सकती हूँ। ऐसा क्या था? तो फिर ठीक है, उस कार में जो गुड़िया पड़ी है ना, उसे उस पेड़ के पास जाकर रखोगी? इतना ही ना, रुक। इसको ही रखना है ना? इसी को रखना है। रखूंगी तो क्या दोगे? तुम जो बोलोगी दे दूंगा। वन डायमंड रिंग। ओके, डन। तो रुको। ए, तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? तू बीच में क्यों पड़ रहा है? तू चुप कर। अरे जाने दे। दिव्या, दिव्या तुम अकेली मत जाओ, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। अजीब आदमी दिव्या। अरे क्या कमी है मुझमें? 14 साल पहले जब मैं चकरपुर थाने में इंस्पेक्टर था ना, तो वहाँ पर मुझे लाश पे लाश मिलती थी। हाँ, कोई उपेंद्र है, काशीनाथ है, कुमार गोविंद है, ये सब आकर के मुझसे बोलते रहते थे। अब इन लोगों को पकड़ूं या फिर भूतों को पकड़ूं समझ में नहीं आता था। अगर उनके साथ मैं उधर रहता ना, तो मैं भी वहाँ खड़े खड़े भूत बन जाता। अरे क्या क्या बोल के, क्या क्या करके मैंने अपना ट्रांसफर करवाया यहाँ। दिन रात जब देखो लाश ही लाश। कौन करना चाहेगा ऐसी नौकरी? अभी 2 साल में जब रिटायर्ड होऊंगा ना, तो लगता है सारे भूत लोगों से मेरा सम्मान करवाएंगे। दिखता नहीं है क्या, चोर बाजार में अपनी आंखें बेच करके आया है क्या? शूटिंग चल रही है सर उधर। कौन सी शूटिंग चल रही है? नागवल्ली करके सर। नागवल्ली मतलब भूत होता है, याद है? रा 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 रा। ये सारे भूत हमारे पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? अरे क्या किस्मत है मेरी। है कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, जीवन में कुछ सफलता हासिल करो, वो छोड़ के शूटिंग देखने जा रहे हैं। शूटिंग, चल जाए यहाँ से। मैंने पढ़ाई की है डिप्लोमा डायरेक्शन कोर्स में, जाओ यहाँ से, चले आते हैं पता नहीं कहाँ। ऐसा भी कोई कोर्स है क्या बे? मुझे तो सिर्फ रेस कोर्स पता है,
इसीलिए तू रेस कोर्स जा जा करके घोड़ा बन गया। चल बैठ अभी। ए, ए, पीछे। पागल हो गया। सब पागल। चिल्लाता रहा कि पुलिस में भर्ती नहीं होना है मुझे, लेकिन देश की सेवा के नाम पर पापा ने मुझे पुलिस में भर्ती करा दिया, मेरी एक भी नहीं सुनी। कहाँ जा रहा चश्मा लगा के? तुम्हारी बेटी वेट कर रही है, पढ़ाने जा रहा हूँ, अपना काम करो। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, वरना इन सबको दामाद बोलना पड़ता। खड़े खड़े सो रहा है, घोड़ा है क्या? अबे घोड़े डंडा दे इधर। मैंने अपनी सर्विस लाइफ में बहुत सारी लाशें देखी हैं, लेकिन तुम्हें अभी तक एक भी लाश देखने का मौका नहीं मिला। थू। आ हा 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 हा, वो देखो लड़की मर गई है। थू, कैसे दोस्त हो तुम लोग, मजा करने के लिए यही जगह मिली थी क्या? हैं? हम पुलिस वाले तुम लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात एक करके गली गली घूमते रहते हैं। थू, और तुम्हारे जैसे जवान लड़के, नया साल मनाने के लिए तुम लोगों को इससे अच्छी कोई जगह नहीं मिली क्या? इसी खतरनाक जगह पे आना था? अरे कहीं जाने से पहले वहाँ के बारे में तो पता कर लिया करो। गूगल नहीं है क्या? डेंगू फैल रहा है, सारे के सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे आवारों को कुछ नहीं होता। सर, मुझे एक डाउट है। बोलो। आपका कोई भी बच्चा शरीफ नहीं है क्या? इस लड़की की मौत की वजह क्या है? कैसे हुआ? क्यों हुआ? कब हुआ? एक एक करके बताओ मुझे। रात में मैंने इसे कितना मना किया था सर, पर इसने मेरी बात नहीं सुनी, बेट लगाई और चली गई, फिर वापस नहीं आई सर। हाँ? बेट क्या? इसकी मौत की वजह बेट है क्या? हाँ सर, उस समय हम लोग भूत के बारे में ही बात कर रहे थे। नागवली नाम की एक भूतनी है, हम लोग वो है कि नहीं है इसी बारे में मजाक कर रहे थे। इसी बात को उसने सीरियसली ले लिया और भूत नहीं होते ये प्रूव करने गई थी सर। हम लोग उसकी बात का मजा लेने के लिए चुपचाप बैठे थे, पर बाद में जाके देखा तो ये सब हो गया सर। तुम्हें में से कोई है जिसने प्लान करके इसे मारा है? नहीं सर, हम लोग इसे लेकर आए, हम ही लोग क्यों मारेंगे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, किसने मारा है, क्यों मारा है, सब पता चल जाएगा। अबे घोड़े, जब देखो खड़े खड़े सोता रहता है, इन सबको थाने लेकर चलो। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है यही खड़े होकर बॉडी की निगरानी करो। ओके? यस सर। चलो। हेलो सर, पहाड़ी के पीछे एक गैंग कुछ प्लान कर रहा है सर। कहाँ? नीरियल पहाड़ी के पीछे सर। दैट्स इनफ। Ugh.
सर मत मारिए सर, छोड़ दीजिए सर, सर मत मारिए सर, सर छोड़ दीजिए सर। राजेश्वरी, राजी, राजा चिन्नू। ओ, तो तुम लोग यहाँ हो। बहुत गुस्से में लग रही हो जानू। सॉरी यार, आज जल्दी आने का वादा किया था ना, लेकिन एनकाउंटर के चक्कर में ऐसा पड़ा कि भूल ही गया कि वेडिंग एनिवर्सरी है। सॉरी राजी, प्लीज। माफ करने वाली मैं कौन होती हूँ? मैं आपकी पहली बीवी थोड़ी ही हूँ। आप ही हमेशा कहते रहते हैं ना कि ड्यूटी ही मेरी पहली बीवी है। ए, राजी, तुम तो मुझे समझती हो ना, और मैं अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभाता हूँ ये भी तुम्हें पता है। यहाँ का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मुझ पर भरोसा करता है और हर चुनौती वाला काम मुझे ही सौंपा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि मैं सिंसियर पुलिस ऑफिसर हूँ इसलिए। और ये बात भी तुम्हें अच्छी तरह पता है, यहाँ पर कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, टेररिस्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट लाइट प्रॉब्लम, एक न एक समस्या तो रोज आती ही रहती है। आज भी कुछ टेररिस्ट के बारे में पता चला तो उनका एनकाउंटर करने चला गया था। ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? हाँ हाँ, यही कह के कर आप हमेशा मुझे अपनी बातों में फुसला लेते हैं। आपके ये सारे बहाने मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, शादी के बाद मुझे एक भी दिन बाहर घुमाने ले गए क्या? नहीं ना, प्यार से कभी एक साड़ी भी दिलवाई है क्या? वो सब तो जाने दीजिए, आज तक किसी मंदिर में भी नहीं ले गए हैं, कभी नहीं। आपकी ड्यूटी और मैं, आप ही जाने। सुनिए, आप अपनी पुलिस की ड्यूटी कितनी ईमानदारी से निभाते हैं, उसी ईमानदारी से हमारा रिश्ता भी निभाइए ना। बस इतनी सी बात है? चलो 15-20 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ और तुम्हें किसी अच्छी जगह घुमाने ले चलता हूँ। अब तो खुश? बताओ कहाँ चलना है, खंडाला चले तो कैसा रहेगा? मुझे कहीं भी नहीं जाना है। आपने कहा था ना कि आपने एक फार्म हाउस लिया है, एक दो दिन जाकर हम दोनों वहीं रहेंगे, बट वन कंडीशन, वहाँ जाने के बाद पुलिस ड्यूटी को आराम देना होगा, ठीक है ना? ओके, वहाँ जाने के बाद हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अब तो खुश? पुलिस वालों के पास भी दिल होता है और वो प्यार करना भी जानते हैं। अच्छा ये बताओ, कार्तिक कहाँ है? अपने फ्रेंड को देखने के लिए उसके घर पर गया हुआ है, उसे फोन करके डायरेक्टली फार्म हाउस आने कहती हूँ। हाँ, ओके ओके। हाँ, अपना सारा लगेज जल्दी से पैक कर लो, कल सुबह हम फार्म हाउस जा रहे हैं। हाँ ठीक है। कहाँ हो तुम? अभी यही हूँ, क्या काम है बोलिए। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या, बोलिए। हम सब मिलकर अपने नए फार्म हाउस जा रहे हैं, तुम भी वहीं आ जाना। डेफिनेटली आऊंगा। अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी में ही मत रह जाना। नहीं, नहीं रहूंगा। जल्दी आ जाना, ओके? आपसे पहले पहुंच जाऊंगा भाभी। बाय बाय बाय। ला 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 ला। अरे जल्दी करो, कितना वेट करना पड़ेगा? कम फास्ट। ए, आराम से चढ़ना। ओके दीदी। सब कुछ ले लिया ना, कुछ भूले तो नहीं? चलें। ये। चलो तो रेडी हो? हाँ, चलिए।
डरा ही दिया। छे, पता चल गया इस रेंज में बिल्डअप देकर मैं तुम्हें डराने की सोच रहा था। छे, पर तुम्हें थोड़ा भी डर नहीं लगा क्या? क्या छोटे मालिक, इस फार्म हाउस में मैं कितने सालों से काम कर रही हूँ, वो सब छोड़िए मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ, फिर भी नहीं डरती ना। ओ। लेकिन आज आपने थोड़ा डरा दिया। हाँ ठीक है, फ्रेश अप होना है, मैं जर्नी करके थक गया हूँ भाभी, खाने का अरेंज कर देना। ठीक है छोटे मालिक। ओह शिट, ये क्या हो गया? क्या हुआ जीजू? क्या हुआ? चालू हो गए। हाय भाभी, तुम पहले ही आ गए। क्या भाभी, जल्दी आप बोल करके खुद ही लेट आ रहे हो। क्या भाभी, 40 संक्रांति हो गया। 30 किलोमीटर जर्नी करके आए हैं, थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। फूलवती जल्दी आओ। आई मालिक। जल्दी करो ना। हो गया। ए, कितनी देर लगा रही हो, कहा ना जल्दी आओ, भूख लग रही है। जल्दी आइए मालिक। आई। यहाँ आकर मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे भूख ही नहीं लग रही। हाँ तो बराबर, हाईवे में अच्छे से खाना खाया होगा ना, वो पचेगा तभी तो भूख लगेगी ना, और मैं तो सुबह से भूखा हूँ। वो पढ़ाई छोड़ के खाने के लिए आगे ही रहता है हमेशा। बस खाने में ही नहीं, सब चीज में आगे हूँ मैं। अरे तुम इसे देखकर डर गई क्या? ये यहाँ का चौकीदार है, बहादुर नाम है इसका। ओहो, ये इसे देखकर इतना डर गई, तो रात में किसी को देखेगी तो क्या होगा? फूलवती। क्या हुआ मालिक? अपने पति को खाना खिला दो। ठीक है मालिक। अच्छा बहादुर, कैसे हो तुम? जब से आया हूँ दिखाई नहीं दिए, कहाँ गए थे? ओफो, लगता है भूख के मारे मर जाएंगे। खाना खाओ। कब जाता है कब आता है कुछ पता ही नहीं चलता। ये लो खा लो, अब जाओ यहाँ से। अरे ऐसे क्या खा रहे हो, घर पे जाकर खाओ ना। अरे जाओ यहाँ से, चलो जाओ। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। हे, वाओ, कितना अच्छा है देखो। बहुत अच्छा है, चाहिए क्या?
नंदिनी एक बात बोलूं क्या? रोज मीन्स ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स नंदिनी, नंदिनी एज स्वीट एज कैंडी, फ्लावर्स फॉर यू। थैंक यू। यहाँ आने के लिए मुझे आपसे कितनी मिन्नतें करनी पड़ी, मुझे लगता है कि यहीं रह जाऊं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, रिटायर होने के बाद हम लोग यहीं आकर रहेंगे। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आने के लिए कब से सोच रहा था, लेकिन ड्यूटी की वजह से टाइम ही नहीं मिल रहा था। अगर आपने बदन पर खाकी वर्दी पहनी हुई है तो आपको कोई दिखता ही नहीं। ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैंने ऐसा कब कहा, प्यार है पर टाइम नहीं है। प्यार दिखा के नहीं होता, बिना दिखाए प्यार होना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि कॉलेज में प्यार करना और उसी प्यार को शादी के बाद बरकरार रखना दो अलग बातें हैं। ठीक बोली भाभी, किसी को ड्यूटी इम्पोर्टेंट होता है और किसी को ब्यूटी इम्पोर्टेंट होता है। भाभी हम लोगों को जब भी टाइम मिलेगा यही आ जाएंगे, चाहिए तो भाई को वही काम करने दो। भाई एक मिनट कैमरा दीजिए। लो। कैसा लगा अपना फार्म हाउस? ये जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी मुझे पता नहीं था। सुनिए, वो वहाँ जो घर दिख रहा है वो किसका है? वो अपना गेस्ट हाउस है, चलो तुम्हें दिखा देता हूँ। आओ। ठीक है चलिए। कितना अच्छा है ना फार्म हाउस, वहाँ देखो कितना अच्छा है। बहुत अच्छा है यार। ए, ये कैमरा कहाँ है? ओ, वो वही भूल गई मैं। जाओ जाकर के लेकर आओ। चलो हम दोनों जाते हैं। तुम छोड़कर आई हो ना तो तुम ही लेकर आओ, जाओ लेकर आओ। जो तुम बोलो वही होना चाहिए। चलो जल्दी, चलो चलो भागो यहाँ से, तुम्हें बताता हूँ मैं, चलो। सोई है, शोर मत मचाओ। क्या हुआ, डर क्यों गई? मीनू और कल्पना कितनी अच्छी अभिनेत्रियां थीं। ऐसे कलाकार बार बार पैदा नहीं होते। कल्पना की अगर उस वक्त मौत नहीं हुई होती
तो मीनू और कल्पना दोनों आज बहुत ऊंचाइयों पर होते, बट बैड लक। कोई क्या कर सकता है, कैसे जिएंगे ये हमारे हाथ में है, पर मौत उसके हाथ में है। फिर भी इतनी बड़ी अभिनेत्री को ऐसे मरना नहीं चाहिए था। ठीक कहा, पर अच्छे लोगों को नजर भी जल्दी लगती है, शायद यही इसकी मौत की वजह होगी। इन सब का कारण है ये समाज, समाज जो गंदी नजरों से देखता है और झूठा प्यार करने वाले मर्द। ये समाज ऐसा ही है। उस कलाकार का फार्म हाउस लेकर आपने उन्हें जो इज्जत दी है, इसलिए मैं आप पर बहुत प्राउड करती हूँ। आपने सच में बहुत अच्छा काम किया। सच कहूँ तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, इसीलिए जगह लेने के बाद भी मैंने इस जगह का नाम चेंज नहीं किया। आप तो उनसे मिले भी है ना, यू सो लकी। मालकिन, हम सब आपको देखने के लिए बेताब थे। वैसे बहुत सुंदर लग रही हैं आप। अच्छा, तुम भी बहुत सुंदर हो। अच्छा, तुम्हारे बच्चे? अरे, मेरे बच्चे कहाँ हैं? भगवान ने मुझे इस हाथ से दिए और इस हाथ से ले लिए। तुम्हारे पति को क्या हुआ? अरे क्या बताऊँ, वो क्या करता है, क्यों करता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं रहता। क्यों? कुछ दिन पहले मैं अपनी माँ के घर गई थी, जब से वहाँ से लौटी हूँ तब से ऐसा ही कर रहा है। इतनी सी बात है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच ऐसा होता रहता है। अच्छा, मैं कब से तुमसे एक बात पूछना चाहती थी पर बार बार भूल ही जाती। क्या बात थी वो? उस घर में इतना बड़ा ताला लगाया हुआ है, ऐसा क्या है उसमें? उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अरे सेठ जी ने जब ये घर लिया था तब इस घर का सामान उसमें डाल दिया था, उसी के साथ ताला भी मिला था, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ताला फेंकने से अच्छा है कि उसे घर पर लगा देता हूँ, तो लगा दिया। और उसकी चाबी कहाँ है? वो मेरे घर वाले के पास है। मुझे देखने का मन कर रहा है, तो मुझे वो चाबी लाकर दोगी? बस इतना ही, अभी लेकर आती हूँ। ए बहादुर, मालकिन को पुराने वाले घर की चाबी चाहिए, चल दे। जब से ताला लगाया है तब से चाबी अपने पास ही रखा है, अब मालकिन मांग रही है, चल दे। अरे दे ना, तू देता है कि नहीं? मैं खुद ही निकालूंगी। कैसा लगा, मैंने खुद ही ले ली। मालकिन जी, मालकिन जी, आपने चाबी मांगी थी ना, ये देखिए मैं ले आई। हाँ, दो। Thriller. What a surprise. Hi. Hello. 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 बैठिए ना। Thank you. तो तुमने free time निकाल ही लिया। जीवन में कहाँ free हो सकते हैं? Free time तो निकालना पड़ता है। अगर free नहीं हुए तो ये नाराज हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, खुद तो सब जगह घूमते हैं लेकिन हमें नहीं घुमाते हैं। ये सारे पति बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं। Hi अंकल। Hi कार्तिक। Hi. क्या बेटा, मेरे जैसे सिनेमा में आओगे या फिर डिपार्टमेंट में जाओगे? हैं? नहीं, मैं
सोच रहा था कि सिनेमा में जाऊं। That's it. सब बराबर हो गया है। मैं चुपचाप नहीं आऊंगा, आप जैसे एक्शन हीरो की तरह एंट्री दूंगा और धूम मचा दूंगा। अरे उसमें क्या हुआ कार्तिक, सब लोग तुम्हें ब्रूस ली का टैग देंगे, ऐसी ट्रेनिंग दूंगा मैं तुम्हें, आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, अब बस यही बाकी रह गया था। ऐसे क्यों बोल रही हो, आखिर क्या कमी है मेरे भाई में? वही तो, सिनेमा वाले हो या पुलिस वाले हो, शादी होने के बाद पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स ही होती है। ज्यादा बोल रही हूँ ना। बस बस, फर्स्ट क्लास खाना हमारा वेट कर रहा है, खाना खाते खाते बातें करते हैं। चलो चलो चलो। ये तो उस घर की चाबी है, यहाँ कैसे आ गई? से बताओ क्या हुआ? फोटो में। हाँ हाँ बोलो क्या हुआ? क्या हुआ भाभी, इतनी डर क्यों गई हैं आप? हाँ, कल्पना की फोटो। क्या कल्पना की फोटो से खून आ रहा है? फोटो में थोड़ी ना खून आता है भाभी। ओ, ओ, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है चलो मैं भी देखता हूँ क्या हुआ है। चलो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डरो मत। मैं नहीं आऊंगी, मुझे डर लग रहा है। नहीं भाई, रेड पेंट ये फोटो पे गिर गया है, इसे देखकर भाभी डर गई है। क्या दीदी,
डरने का एक्सप्रेशन इतना भयानक देती हो, अगर तुम पिक्चर करोगी तो सुपर डुपर हिट हो जाएगी। तू जरा अपना मुंह बंद कर, यहाँ डर के मारे मेरी जान निकल रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ए, तुम्हें इस रूम में आने के लिए किसने कहा था? जरा भी अकल नहीं है कि कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। आज के बाद अगर तुमने इस रूम में कभी कदम रखा ना तो अच्छा नहीं होगा, याद रखना। क्या भाभी तुम भी ना? क्या दीदी तुम भी? मुझे तो लगता था शूटिंग बहुत आसान काम है, लेकिन तुम्हें पता है इसमें बहुत मेहनत लगती है। तुम उसे कुछ बोलती नहीं हो क्या? ओहो, उन्हें कितना भी कहूँ वो सुनते ही कहाँ है। शूटिंग तो मानो उनकी जिंदगी है। अरे दीदी मैं तो बैग भूल ही गई, मैं जाकर ले आती हूँ। ठीक है। कहाँ जा रही है? यहाँ। हाँ? क्या हुआ? हुआ क्या है तुम्हें? एक बुरा सपना देखा। बुरे विचार मन में लेकर सोगी ना तो ऐसा ही होगा। छोड़ो, कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। हुआ, इतनी दुखी क्यों लग रही हो? अरे कुछ नहीं हुआ, इस हफ्ते का मैंने अपना भविष्य पढ़ा था इसलिए मैं दुखी हूँ। इसके लिए क्यों दुखी हो तुम? वो क्या है, मेरी राशि में प्यार नहीं है ऐसा लिखा था। इसीलिए मैं बहुत लकी हूँ, मेरी राशि में लव सक्सेस है ऐसा लिखा है। इसका मतलब तुम भी भविष्य में भरोसा करते हो? अरे वो तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ना। तो फिर मेरा हाथ देखो प्लीज। ओके तुम उधर चलो, बैठ के तुम्हारा भविष्य देखता हूँ। हाथ दो अपना। किस बेवकूफ ने तुमसे कहा है कि तुम्हारा लव सक्सेस नहीं है? ये देखो, रविचंद्रन की लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, शाहरुख खान की लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अरे रे, कमला हसन तो बीच में ही रुक गया है। अरे वो सब छोड़ो, चिरंजीव भी वेटिंग लिस्ट में है। हाँ सच है क्या? जिससे मैं प्यार करूंगी वो लड़का कैसा होगा? मुझे देख लिया ना तो उसे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब? अरे मैं ही हूँ। यू रुक जा। कहाँ जा रहा है? बराबर करती हूँ। रुक जा, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। जाता था आया। रुक रुक। अरे अरे सुनो तो ना।
नीचे में कुछ हो रहा है। क्या हुआ? राजी, ए राजी, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? सुनिए, इस घर में कुछ अजीब सा हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। अरे पागल औरत, रात को सोते समय क्राइम डायरी, क्राइम स्टोरी, हॉरर मूवीज, इन सब के बारे में सोचोगी तो दिमाग में वही घूमता रहेगा और तुम्हें डर लगेगा। नहीं, ऐसा 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 नहीं है। सुनो, बेकार में दिमाग खराब मत करो, आओ मेरे साथ। क्या भाभी, आज सुबह ही इतनी जल्दी तैयार हो गई आप? भाई के पॉकेट से खाचा मारा क्या? भाभी बहुत अच्छी दिख रही हो, एक फोटो निकालता हूँ। फोटो निकालोगे? भाभी इधर देखो, इधर देखो, प्लीज प्लीज भाभी इधर देखो, स्माइल। भाभी उधर चलते हैं ना, बहुत अच्छा सीन है। अरे आओ ना भाभी, चलो। अरे आओ ना भाभी प्लीज। चल उधर उधर आओ प्लीज। कार्तिक हाथ छोड़ो प्लीज भाभी, एक मिनट कार्तिक छोड़ो। भाभी स्माइल, स्माइल प्लीज। अरे कार्तिक यहाँ क्या कर रहे हो? फोटो निकाल रहा हूँ भैया। अच्छा मैं भी एक फोटो निकालूंगा, लाओ दो। अच्छा ठीक है भैया, ये लो, आप भी निकालो। ला, हाँ ये लो। राजी कम ऑन कम ऑन, यहाँ खड़ी हो जाओ। गुड भैया। भैया एक मिनट, एक मिनट। अब क्या हुआ? भाभी आप वहाँ हाथ रखिए। क्यों परेशान कर रहे हो उसे? हाँ निकालो भाई, अभी अपनी बीवी का फोटो खुद ही निकालो। अपनी बीवी की तो अच्छी फोटो निकालूंगा ही ना। मुझे अपने साथ जीने का एक मौका तो दे दिया होता। यहाँ मेरे पास आ जा। मुझे वहां का रास्ता अच्छे से पता है। मेरे पास आ जा। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया।
क्या हुआ? कब से बेल बजाया जा रहा हूँ? आप हैं क्या? तो तुम्हें कौन लगा था? इतना डर क्यों गई थी? वो कल्पना की कब्र। क्या हुआ कब्र को? मैं बैठकर किताब पढ़ रही थी, तभी किसी ने मेरे कान में आकर कहा आजा आजा। मैं देखने के लिए बाहर गई, मुझे पता नहीं चला और मैं कब्र तक पहुंच गई। तब मैं बहुत डर गई। वापस आते समय मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए मैं घबरा गई। इतनी सी बात है और तुम इतना डर गई? आप इसे इतनी सी बात कह रहे हैं? तो क्या हुआ, इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम अकेली रहती हो ना, इसलिए कोई मजे लेने के लिए डराता होगा। बाकी सब लोग कहाँ हैं? सुनिए, इस फार्म हाउस में कुछ तो चल रहा है। ये तुम्हारा भ्रम है राजी, तुम इतना घबराओगी तो कैसे काम चलेगा? एक पुलिस ऑफिसर की बीवी होकर तुम्हें इतना डर लगता है? अरे मैं हूं ना, कम ऑन बी बोल्ड, चेयर अप, चलो आओ। हेलो हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ राजी। हाय, कैसे हो तुम? क्या बात है? तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी थी, आ सकती हो क्या? पर्सनल? ठीक है, मैं आती हूँ। जल्दी आ जाओ प्लीज। श्योर, जल्दी आती हूँ, बाय बाय। लास्ट वीक मैंने एक फिल्म देखी, क्या ट्रेजेडी फिल्म थी। हाँ, उस फिल्म की एकदम ट्रेजेडी एंडिंग है। प्यार के लिए ये सब करते हैं क्या? तो क्या, लव का मतलब तुम क्या समझ रही हो? तुम मुझसे लव करती हो ऐसा कहो, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम यहाँ से कूद के दिखाओ। हे, तुम्हारे प्यार में गिर गया तो क्या मैं यहाँ से भी गिरूँ क्या? अरे थोड़ा सोच के तो देखो तुम। मुझे वो सब नहीं पता, अगर तुम्हें प्रूफ करना है तो कूद के दिखाओ। ये लड़कियाँ भी ना ऐसी होती है, प्यार किया है तो इन लोगों को प्रूफ करके दिखाना ही पड़ता है। क्या सोच रहे हो तुम? इसमें सोचना क्या है, अभी करके दिखाता हूँ। सुनो सुनो, यहाँ आओ। आखिर तुम लोगों का चल क्या रहा है? कुछ नहीं दीदी, ये प्यार के लिए कुछ भी करेगा बोलता रहता था, इसके लिए मैंने बोला तू कूद के दिखा। क्या हुआ, क्या नाटक है तुम लोगों का? कार्तिक 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 पानी में। क्या हुआ कार्तिक को? या लो कार्तिक तो मजे ले रहा है, क्या है ये, जरा सी मस्ती से तुम लोग इतना डर जाती हो? सच में कुछ हो गया तो क्या करोगी? अब यस सर, यस सर, ओके सर। डर गए क्या? अभी तो हाथ पकड़ के ऊपर लो। ये प्रेमी एक दूजे के लिए कुछ भी कर सकता है और मैं प्यार को प्रूफ करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, समझी? तुम्हें अभी बताती हूँ।
एक मिनट। हाँ मैंने ऐसा क्या गलत काम कर दिया तुम्हारे साथ? मुझे माफ कर दो, मुझे अपने साथ जीने का एक मौका दे दो, प्लीज एक मौका दे दो। ये क्या, तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? ड्यूटी पर जाना है। जाना जरूरी है क्या? चिंता मत करो, अभी जाना जरूरी है, पर 4 दिन में वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम लोग मजे करो। ओके सुनिए, आप जल्दी आ जाएंगे ना? मैंने कहा ना, सिर्फ 4 दिन की बात है। मूव। क्यों इतनी परेशान हो? वही बताने के लिए तुम्हें फोन किया था। क्या बात है, तुम्हारे पति इतनी जल्दी निकल गए? मैं आई तो वो दिखे नहीं। शायद कोई प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए अचानक चले गए। ओ, जल्दी चले गए इसलिए परेशान हो क्या? ऐसी बात नहीं है, इस घर में कुछ अजीब सा हो रहा है, लगता है जैसे हर वक्त कोई पीछा कर रहा है। पीछा कर रहा है? पीछे देखती हूँ तो कोई नहीं दिखाई देता। सच में? हाँ, उस दिन तो मुझे पता ही नहीं चला और मैं कल्पना की कब्र तक पहुँच गई। लगता है जैसे कोई बुला रहा है, बहुत डर लग रहा है, हर वक्त बेचैनी सी रहती है। ये बात किसी को तुमने बताई क्या? मैंने बताया था पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा। मुझे तो लगता है कि इस फार्म हाउस पर जरूर किसी भूत पिशाच का साया है। सच में क्या? हाँ, नहीं तो ऐसी चीजें आम जिंदगी में होती है क्या? तुम ऐसे बोल रही हो तो मुझे कुछ शक हो रहा है। तुम एक काम करो, मैं एक स्वामी जी को जानती हूँ, ये सब बातें उन्हें बताओगी तो वो पक्का तुम्हारी मदद करेंगे, पर वो कब मिलेंगे पता नहीं। प्लीज इतना कर दो मेरे लिए। ठीक है, मैं आज ही जाती हूँ और पता करती हूँ कि वो कब मिलेंगे। ओके। तुम परेशान मत होना, ठीक है? बाय। आ गई, तू आ गई। आ जा, मैं यहाँ इसी जगह पर रहती हूँ और आज मैंने तुझे भी बुला लिया। आ जा, आखिर तू आ ही गई ना। मैं जीत गई, मुझे जीने का एक मौका चाहिए था, बस एक मौका दे देते सब ठीक हो जाता। Oh,
कार्तिक, मेरी मौत का तुम ही एक कारण हो। छोड़ो मुझे। तुम ही एक कारण हो मेरी मौत का। छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। देख लिया कैसे मैंने इसे पकड़ लिया है। कार्तिक चलो उठो। ये लो। देखो यही है स्वामी जी का आश्रम। बहुत शांत है ना ये जगह। चलो ठीक है, स्वामी जी को अपनी परेशानी बताओ तो वो सब ठीक कर देंगे। कितने साल पुराना है ये आश्रम? मुझे जहां तक पता है ये आश्रम बहुत सालों पुराना है, स्वामी जी हैं। चलो। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार स्वामी जी। शुभम भवेत। बैठ जाओ स्वामी जी। ये मेरी फ्रेंड राजेश्वरी है, ये आपसे मिलना चाहती थी। समस्या जब आती है तो सब भगवान को ही याद करते हैं। बोलो बेटी क्या बात है? हमने सोचा कि चार दिन के लिए अपने फार्म हाउस जाकर रहेंगे जो हमने अभी खरीदा है, पर उस फार्म हाउस में कुछ अजीब सा हो रहा है। ऐसा क्यों? जब से हम लोग यहाँ आए हैं कुछ न कुछ अजीब होता ही रहता है। वो सब सोचकर तो मुझे अभी भी डर लग रहा है। मैंने घर वालों से कहा पर उन्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं। ऐसी छोटी मोटी तकलीफें आती रहती हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। स्वामी जी जब से हम यहाँ आए हैं तब से यहाँ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है हमारे साथ। ठीक है मैं आता हूँ, हो सके तो मैं पूजा भी करूँगा। पूजा में जो सामग्री लगेगी वो आपको जा करके लेके आना होगा। ठीक है स्वामी जी। हाँ, हम लोग आते हैं। ठीक है, धन्यवाद। शिव भगवान तुम्हारी रक्षा करें। चलो। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। पूजा के लिए सामग्री रेडी है? हाँ रेडी है। आइए स्वामी जी। स्वामी जी आइए आइए। हाँ ये लॉकेट तुम्हें किसने दिया है? ये वाला फार्म हाउस पे जो वॉचमैन रहते हैं उन्होंने दिया है। वॉचमैन ने बांधा है? हाँ रेडी है। आइए स्वामी जी आइए। मैंने उसकी रक्षा के लिए उसे बांधा तो उसने तुम्हें बांध दिया। ओम नमः शिवाय। पूजा के लिए दूध चाहिए। हाँ, नंदिनी। हाँ दूध लेकर आओ। ओके दीदी। ओम काल भैरवेश्वराय नमः। एक कार्तिक तुम बाहर क्या कर?
कर रहे हो? अंदर आ जाओ। ठीक है, मैं ही बाहर आती हूँ। यहाँ पर बैठने के बाद चाहे जैसा भी महसूस हो, कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा। नंदनी अपना हाथ दो मुझे। नंदनी जल्दी अपना हाथ दो मुझे। नंदनी अपना हाथ दो अपना हाथ दो नंदनी जल्दी अपना हाथ दो नंदनी अपना हाथ दो जल्दी। यहाँ पर एक भयंकर आत्मा रहती है, पता चल गया है मुझे। आने वाली भीम अमावस्या के दिन मैं ये सब बांध दूंगा और उसे अपने वश में करके रहूंगा। तब तक तुम लोगों को बड़ी ही सावधानी से रहना होगा। मैं यहाँ पर नहीं था तो क्या क्या हो गया? फूलवती, अपने आप को संभालो। कैसे संभालूं अपने आप को मालिक? अपने सामने उन्हें मरते हुए देखा है, कैसे भूल सकती हूँ मैं वो सब? आप ही बताइए। ये बताओ कि उस स्वामी को यहाँ पर कौन लाया था? ये सब उसी का किया धरा है। आप किसी पर भरोसा नहीं करते। मुझे पता है वो स्वामी जी बहुत अच्छे हैं, वो कभी गलत नहीं कर सकते। बहादुर के मरने का कारण वो भूत ही है, मुझे पूरा यकीन है। शट अप! कुछ कहता नहीं हूं तो भूत भूत करके चिल्लाती रहती हो। कहाँ है भूत, जरा मुझे भी तो एक बार दिखाओ। मालिक, मालकिन सही कह रही है, इस जगह पर जरूर कोई प्रेतात्मा है। फूलवती भाई, यहाँ पर भूत है, सच है। मुझे भी पता नहीं था, मैं भी कल्पना की कब्र तक पहुँच गया था। उस दिन बहादुर नहीं जाते तो आज आप मुझे देख नहीं पाते। क्या बकवास कर रहा है? सब सच कह रहे हैं जीजू, वो भूत सबको एक एक करके परेशान कर रहा है। दीदी को भी बहुत तकलीफ दिया उसने। इन्हें किसी बात पर यकीन नहीं नंदिनी, हम सब झूठ कह रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है। सुनिए, मुझे डर लग रहा है, उस भूत का अगला निशाना कौन होगा पता नहीं। प्लीज हम यहाँ से चलते हैं, प्लीज। हाँ मालिक, यहाँ मैं उन्हें नहीं भूल पाऊंगी। जहाँ भी मैं देखती हूँ वही दिखाई देते हैं। जब वो ही यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगी? जाने दीजिए, मुझे यहाँ से भेज दीजिए, मैं अपने घर चली जाऊंगी। फूलवती, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर कोई परेशानी होगी तो मैं संभाल लूंगा, तुम यहीं पर रुको। वो बात नहीं है मालिक, मैं बस जाना चाहती हूँ। ठीक है फूलवती, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, ऐसा ही करो, बस खुश रहो। चीजू, जितनी जल्दी हो सके हम लोग अपने घर निकल जाते हैं। हाँ भाई, लेट्स गो फ्रॉम हियर, प्लीज प्लीज चलते हैं ना, प्लीज जीजू। ठीक है, कल चलेंगे।
नंदिनी इतनी रात को कहाँ जा रही है? नंदिनी, नंदिनी, ए नंदिनी, 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 नंदिनी! नंदिनी! गॉड! नंदिनी! नंदिनी! यहाँ आने के बाद हमने अपनी नंदिनी को खो दिया। आखिर हमने किया क्या है? हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो ये सब हमारे साथ क्यों हुआ? इस फार्म हाउस में आखिर ये सब चल क्या रहा है? सुनिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। स्वामी जी ने कहा था कि इस घर में किसी आत्मा का साया है, पर आपने भरोसा ही नहीं किया। अब देखिए ये हमारे साथ क्या हो गया। इन सब का कारण मैं हूं। हाँ? आप हैं? हाँ, ये फार्म हाउस लेने से पहले मैं एक बार यहां आया था। एक लड़की जो नशे में थी, उसके साथ कुछ लोग अत्याचार करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने वहां पहुंचकर उस लड़की को बचा लिया, लेकिन उस लड़की को मैं थाने लेकर नहीं गया और ना ही अपने घर में रखा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं बाद में मेरे लिए कोई परेशानी न खड़ी हो जाए। तब मैं उसे इस घर में लेकर आया। सुनो, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? किस गांव में रहती हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? और पी पी कर अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रही हो? मेरा नाम नागावल्ली है। मैं एक छोटे से गांव से हूँ। मेरे माँ पापा बहुत अमीर हैं। वो गांव में ही रहते हैं। मैं फिल्मों में काम करना चाहती थी, इसलिए उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ आ गई। मैंने बहुत कोशिशें की, पर मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। और फिर गांव वापस जाने का मन भी नहीं हुआ, ये सोचकर कि सब मुझे वहां गलत समझेंगे। इन्हीं सब दुखों की वजह से मैंने पीना शुरू कर दिया। सच्चाई का साथ देने के लिए मेरे साथ कोई नहीं है। लोग अपना दुख भूलने के लिए पीना शुरू कर देते हैं। दुख तो नहीं भूल पाते, वो खुद मिट जाते हैं। ये मत सोचो कि क्या खोया क्या पाया, आगे क्या करना है ये सोचो, अपने बारे में सोचो।
लड़की को समझाते समझाते मैंने खुद ही पीना शुरू कर दिया। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? कब से चिल्ला रहा हूँ? बहादुर! बहादुर! कहाँ हो? बहादुर! जल्दी आओ! बहादुर! हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ राजी। हाँ बोलो राजी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आपकी याद आ गई इसलिए फोन किया। आप कुछ बात क्यों नहीं कर रहे? कोई है क्या साथ में? नहीं कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। हेलो कौन है? हेलो सुनिए, आप किससे बात कर रहे हैं? नहीं दे रहे। हेलो, मैं आपके साथ हूँ, ये बोलिए उसे। चलिए बताइए। वन मिनट, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, अभी रखता हूँ। भूलिएगा मत। नागोली, मुझसे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आदित्य। तुम्हारे बिना जीने की शक्ति नहीं है मुझ में आदित्य। नागवली, जो भी हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मेरी बीवी मुझे बहुत प्यार करती है। तो तुम नई जिंदगी जीना शुरू कर सकते हो आदित्य। मैं तो अपने रास्ते जा रही थी लेकिन बीच रास्ते भटक गई। अपने साथ जीने का बस एक मौका दे दो मुझे आदित्य। प्लीज आदित्य, प्लीज आदित्य, प्लीज। मैंने तुमसे कहा ना, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। कौन सा बुरा सपना आदित्य?
जो प्यार किया वो सपना था, तो मैं अपना तन मन सब दिया, सब सपना था। बोलो आदित्य, बोलो, बोलो आदित्य, बोलो। नागवली, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब तो सब समझ में आ रहा है मुझे। जब तक तुम जैसे लोग रहेंगे, तब तक हम जैसी लड़कियां रास्ता भटकती रहेंगी। प्लीज आदित्य, अपने साथ जीने का बस एक मौका दे दो मुझे। आदित्य प्लीज, बस एक मौका दे दो मुझे आदित्य। प्लीज आदित्य, आदित्य प्लीज। I'm sorry, मुझे माफ कर दो नागवली। आदित्य, आदित्य! हेलो, ए सुन रहे हो ना तुम? हाँ, मेरे लिए एक ड्रिंक लेकर आओ। मुझे ड्रिंक लाकर नहीं दोगे तुम? How dare you? तुम भी मेरे साथ बैठकर पियोगे? ठीक है, जाओ बॉटल लेकर आओ, जाओ। यू हेलो मैडम, हेलो उठ जाओ। जाओ जल्दी जाकर फ्रेश हो जाओ। आदित्य जी है क्या? रुको, घर का मामूली नौकर मुझ पर रौब झाड़ रहा है, अभी देखती हूँ इसे। बता दो कि मैं कौन हूं। After all, ये घर का नौकर है, इसने मुझे घर में आने नहीं दिया। क्यों पता है? क्योंकि ये मंगलसूत्र मेरे गले में नहीं था। आदित्य प्लीज मुझे ये पहना दो, फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। प्लीज
आदित्य, ये मंगलसूत्र मुझे पहनाओ, अभी के अभी मुझे ये पहनाओ, मुझे पहनाओ आदित्य। ए, एक बार में समझ में नहीं आता क्या? चलो आदित्य, चलो बाहर। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? हा? मुझे कहाँ ले जा रहे हो तुम? प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो आदित्य, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे मत जाने दो आदित्य, प्लीज आदित्य, आदित्य रुको, आदित्य आदित्य दरवाजे खोलो आदित्य, ये जो तुम कर रहे हो ना बहुत गलत कर रहे हो आदित्य, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आदित्य। अगर मैं तुम्हारी बातें सुनने लगा ना तो मेरा बसा बसाया परिवार रोड पर आ जाएगा, आज के बाद अपना चेहरा मुझे मत दिखाना, गेट आउट। ए आदित्य, आखिर तुमने मुझे क्या समझ रखा है? हाँ, तुम्हें जो करना था वो तो तुमने मेरे साथ कर लिया। देखो आदित्य, तुम्हारी बीवी है ये कहकर तो मुझे धोखा नहीं दे सकते, बस एक मौका मुझे दे दो आदित्य, मैं तुम्हारी बीवी से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, प्लीज आदित्य प्लीज, बस एक मौका दे दो, तुमसे मिलने के बाद मुझे अपने जीने का रास्ता दिखाई दिया है, और मेरे साथ ऐसा मत करो आदित्य प्लीज, मेरे जीने की वजह मत छीनो प्लीज आदित्य, इट्स ट्रू आदित्य, आई लव यू। तुम दूर चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी आदित्य, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे खुद से दूर मत करो आदित्य, आदित्य 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 प्लीज दरवाजा खोलो आदित्य, बस एक बार मेरी बात समझो आदित्य, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, दरवाजा नहीं खोला तो मैं खुद को मार दूंगी। माँ आदित्य, आदित्य मैं सच में सुसाइड कर रही हूँ, आदित्य आदित्य तुम्हारे सामने मर के दिखाऊंगी। नागोली नहीं, ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। देखो नागोली, ऐसा मत करना, बेवकूफी मत करो नागोली, मेरी बात सुनो प्लीज, पागलपन मत करो। उसे सुसाइड करते देखकर मैं बुरी तरह डर गया और बगल में रखी पानी की बाल्टी उठाकर उस पर फेंक दी, बट उसमें पानी नहीं था, जनरेटर का टैंक क्लीन करने के लिए उस बाल्टी में पेट्रोल भरकर रखा था। नागवली, ये क्या हो गया? बहादुर, नागवली, बहादुर जल्दी बाहर आओ, पानी लेकर आओ। नागवली, मैं आदित्य और करती रहूंगी, तुमने तो मुझे बचाया भी नहीं आदित्य,
मुझसे इतना प्यार करती हो, इस बात को मैं हमेशा नजरअंदाज करता रहा, नहीं समझा। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं समझ पाया। मुझे लगता था तुम ये सब बातें नशे में कर रही हो, लेकिन तुम इतना सीरियस हो मुझे इस बात का पता नहीं था। वरना मैं तुमसे शादी जरूर करता, भले ही दुनिया से छुपा कर रखना पड़ता। यही बात उसी दिन मुझे बता दी होती तो मुझे अपनी जान नहीं देनी पड़ती। तुम्हारे साथ जीने का एक मौका मांगती रही, लेकिन तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है आदित्य। तुमने मेरे प्यार का गलत फायदा उठाया ना। हाँ, तुम्हारी वजह से, तुमसे प्यार करने की वजह से मुझे मरना पड़ा, और तुम यहाँ अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे हो। जैसे मैं मरी थी वैसे ही तुम्हें भी मरना होगा आदित्य, तब जाकर मुझे शांति मिलेगी। तुम्हें मरना ही होगा आदित्य। भाई तुम ऐसे हो मुझे पता नहीं था। इतने प्यारी भाभी है, तुम्हें उसे धोखा नहीं देना चाहिए। अच्छा आदमी होने का मतलब ये नहीं कि जिसे मंगलसूत्र बांधो उसे आप धोखा दो, ये बहुत गलत बात है भाई। भाभी आज के बाद आप यहाँ नहीं रहेंगी, चलो यहाँ से, चलो भाभी चलो। हाय कार्तिक, तुम्हारे भैया कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। हाय। हाय। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? आदित्य दिखाई नहीं दे रहा है, वो स्वामी जी से मिलते तो अच्छा रहता। स्वामी जी? हाँ स्वामी जी, आज भीम अमावस्या है इसलिए स्वामी जी ने पूजा करने को कहा। क्या आज भीम अमावस्या है? हाँ राजेश्वरी। हाँ भाभी, आज हम वापस गांव जाने से पहले स्वामी जी से एक बार मिल लेते हैं। क्या सोच रही हो भाभी, चलो चलते हैं भाभी।
समस्या है। आज आदमी औरत का संबंध बताने का दिन है। तुम्हें अपना मंगलसूत्र और नाक की नथनी बचाना है तो आज ही उस आत्मा का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। जाओ, मैं जो बोलता हूँ वो करो। ठीक है स्वामी जी। कहाँ चले गए ये लोग? छे तुम लोग कहाँ चले गए थे? कितनी देर से मैं तुम लोग का वेट कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो अपने आदित्य की जीप का एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? एक्सीडेंट? एक्सीडेंट क्या? हाँ, डरने की जरूरत नहीं है। ही इज सेफ, हॉस्पिटल में है वो। चलो चलते हैं। क्यों, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम लोग? चलो चलते हैं ना। भाभी, जो स्वामी जी ने कहा था पहले वो काम पूरा करते हैं। स्वामी जी, क्या बोला उन्होंने? ओके ओके। कल्पना की कब्र कहां पर है? बस यही पास में ही है। चलो वहीं चलते। हाँ चलो। अंकल, पेट्रोल दूं क्या?
सॉरी मास्टर, जो विद्या आपने सिखाई उसका प्रयोग आप पर करना पड़ा। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं कार्तिक, तुमने जो सीखा उसी वजह से तुमने आज मेरी जान बचा ली। मेरी सिखाई हुई विद्या आज सार्थक हो गई। कुछ भी हो, आज तुमने गुरु का शिष्य बनकर दिखाया है। एनी हाउ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स यार, थैंक यू वेरी मच। घर पहुंचने के बाद फोन करती हूँ। बाय बाय बाय।